बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ भाई आज की एक खबर न्यूज़ शेयर कर दूंगा। तमाम प्रदेशी भाई, खासकर जिन जो मेरे भाई साए खास हैं, आमल मंजली हैं, और स्पेशली वो जी जिनके इकामे हैं, एक्सपायर हैं, हरूब है, बदून कफील काम करते हैं, या मतलूब है, या कोई भी किसी किस्म का और मसला है, आपके साथ मैं ये यहाँ पर न्यूज़ भी शेयर कर देता हूँ। मैं तमाम मेरे वो परदेसी भाई जी जिनका खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे जी, इकामा एक्सपायर है और कफील जो कंपनी इकामे नहीं लगा रहा है, ये और साथ में अगर हरूब हो गया और अगर आप बदून कफील काम कर रहे हैं, तो आप भाई ये सोच रहे हैं जी कि मैं अपना नकल कफाला करवा लूं। और मेरा ये खुद से ये मानना होता है जी कि आप लीगल हो जाएं, नकल कफाला करवा लें अगर, तो आसानी से होता है और तो वो बेस्ट है जी। ये पाकिस्तान में जाने से अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अगर आपकी फैमिलीज वगैरह बैठी हुई हैं, वो आपका मुखलिस दोस्त है, या उससे आप पाकिस्तान के हालात पूछ सकते हैं, क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पर महंगाई की सूरत हाल को लेकर और रोज़गार के वसाइल को लेकर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर लीगल हो जाएं, दो चार माह छः माह छुट्टी चले जाएं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा मामला क्या हैं। अच्छा, बहरहाल जी हम खबर के मुतालिक आते हैं। अगर जिन मेरे भाइयों के खुदा न ख्वास्ता हरूब या इकामा एक्सपायर या बदून कफील काम कर रहे हैं, हरूब था या इकामा एक्सपायर हो गए हैं, बदून कफील लगे हुए हैं, तो भाई ऐसे अगर भाई अपना नकल कफाला करवाना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं जी कि हम खरूज नहाई चले जाएं और किसी ऐसे वीज़े के तौर पर जाएं जो कि हम दोबारा सऊदी अरेबिया में आने जोगा रह जाएं, ठीक है जी, यानी कि अगर खुदा रखवास्ता ऐसे हालात बन जाए पाकिस्तान में, तो हम वापस आने जोगा हमारा टाइम हो जाए, ऐसा ना हो कि दोबारा हम सऊदी में ना घुस आ सकें, ऐसे मामला तो हो जाए। क्योंकि आपको पता है बहुत से केसेज ऐसे आते हैं कि वो फिर बैन हो जाते हैं सऊदीया में परदेसी भाई, और कुछ तो आते हैं और एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया जाता है, बेचारों को लाखों रुपये का नुकसान होता है। बहरहाल ऐसे तमाम परदेसी भाई अपना भाई एक दफ़ा वाफदीन का एक पेपर होता है, वो ज़रूर चेक करवा लें, उस पेपर से ये चीज़ें कन्फर्म होती हैं। आप भाई अपना जो आपकी मौजूदा सूरत हाल होगी, यानी कि हरूब होगा या सॉरी इकामा एक्सपायर वगैरह होगा, उस सूरत हाल के सबब आप अपना नकल कफाला वगैरह करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे, और दूसरी बात उसके ऊपर खर्चा कितना होगा, और नंबर तीसरी बात अगर आप खरूज नहाई जाना चाहते हैं तो क्या दोबारा नए वीज़ा के तौर पर सऊदीया आ सकेंगे, यानी कि उमरा विजिट या वर्क वीज़ा, ये चीज़ें इस पेपर से भाई पता चल जाती हैं। उसके बाद बंदा फिर अपना नेक्स्ट कदम, अगला कदम उठाता है कि भाई अभी मैं क्या करूं, मामला देखने के बाद। बहरहाल जी आज की अगर खबर के मुतालिक बात करें, तो ये वीकली रिपोर्ट होती है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी करके दिखा रहा हूं, मैं तरहील डीपोर्ट, ये पिछले 7 दिनों में परदेसी भाइयों की आपकी मैं सूरत बता रहा हूँ, ये कौन सी ऐसा खास आमल मजली, बदून कफील्स, हरूब, इकामा एक्सपायर वाले, मैं आपको डिटेल इनकी बता देता हूँ, तादाद भी बता देता हूँ। मैं वैसे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं बड़ी करके, ये तरहील है, इसमें अजी तकरीबन 13,383 तकरीबन आप 13,400 बंदा बोल रहे हैं पिछले 7 दिनों में डीपोर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया से। भाई इनमें इकामा एक्सपायर, हरूब, बदून कफील, साए खास, आमल मदरी सभी शामिल हैं। अगर वैसे टोटल की बात करें तो आपको बड़ी करके वो दिखा रहा हूँ मैं, इसमें अगर टोटल की बात करें तो 19,710 है, ऊपर भाई बड़ा लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर के ऊपर मुखालफा निज़ाम अल इकामा, ठीक है जी, इनकी तादाद अभी आप खुद ही देख सकते हैं, 12,961, ठीक है जी, 12,961 बंदा भाई वो है जिनके इकामे एक्सपायर थे और वो गिरफ्तार हुए हैं, और ये पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट है। इसके आगे लिखा है मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, ठीक है, इनकी तादाद है 4,177, यानी कि 4200 के करीब बंदा भाई मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद वाला गिरफ्तार हुआ है। नंबर थ्री है जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है, ये है जी 2,572, ये कौन से हैं भाई, ये वो तमाम दोस्त अहबाब हैं जो साए खास, अमल मंजली या बदून कफील या कंपनी ने तंग किया, कफील ने तंग किया, वहां से भाग गए, बाहर अपनी दिहाड़ी लगाई जा रही है, कफील के बगैर बदून कफील के जुमरे में रख के जो गिरफ्तार होते हैं वो भाई हैं जी 2572 बंदे, तकरीबन 2600 के अराउंड में बंदा वो गिरफ्तार हुआ है। तो तमाम परदेसी भाई अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका भाई हरूब है, इकामा एक्सपायर है या बदून कफील है, तो आप अगर अपना नकल खाला चाहते हैं या ऐसे मामला चाहते हैं, ऐसा पता करना चाहते हैं कि जिसकी सूरत में आप जाए एग्जिट के खरूज नहाई के तौर पर दोबारा न्यू वीज़ा पर आ सकते हैं, क्या मामला हैं, तो भाई आप अपना वाफदीन का पेपर निकलवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको पहले भी दिखा चुका हूं मैं वीडियो में, मज़ीद आपको इसके मतलब कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं।